वंदेतोऽसौ सिद्धे दुग्ममलमणोगमं गतिं पत्ते मोक्षामि समये पाहुड पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला जीवाधिकार संपूर्ण हो गया, जीव के बारे में चर्चा पूरी हुई, जीव का स्वरूप अंतिम गाथा नंबर 43 में बहुत सुंदर बताया, कैसे चिंतन करना है, मैं निश्चय से कैसा हूँ, मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मैं हूँ, सदा अरूपी हूँ, पुद्गल का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह है आत्मा का शुद्ध स्वरूप, निश्चय की अपेक्षा। अब दूसरा अधिकार प्रारंभ होता है अजीवाधिकार। सबसे पहले उसमें पांच गाथाएं दी हैं जो एक साथ करनी है वो हो नहीं पाएंगी, इसलिए आज करेंगे तीन गाथा, अगले एपिसोड में करेंगे फिर दो गाथा। आइए तीन गाथा करते हैं। इनमें क्या बताया है, जीव का स्वरूप तो कैसा है जो हमने 43 नंबर की गाथा में पढ़ा, लेकिन जो लोग जीव को जानते नहीं वो लोग जीव को मानते कैसा है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तीन गाथाएं आज करेंगे, 44, 45 और 46। नंबर 44। अपाणमयाणंता मूढ़ा दुपर पवादिणो के जीवम अज्जवसाणम् कम्मं च तहा परुविन्ती कम्मं च तहा परुविन्ती। बोलिए अपाणमयाणन्ता मूढादुपरपवादिनोके जीवम अज्जवसाणम् कम्मं च तहा परुविन्ती। आइए गाथा का एक एक शब्द समझते हैं। क्या बताया है इन गाथाओं में, जिन लोगों को जीव के स्वरूप का ज्ञान नहीं है वो लोग जीव को अपने स्वरूप को कैसा कैसा मानते हैं, विभिन्न धारणाएं। ये पांच गाथाएं एक साथ हैं, पांचों में अलग अलग मत वालों की धारणाएं दी गई हैं, जो धारणाएं सब गलत हैं। देखते हैं, आइए। अपाणम अयाणंता आत्मा को न जानते हुए, मूढ़ा मोही अज्ञानी तो दु, पर अपवादिनो जो पर पदार्थ को अपवादिनो आत्मा कहने वाले हैं, केई माने कोई, अर्थात आत्मा को न जानते हुए पर को आत्मा कहने वाले जो कोई मोही अज्ञानी हैं, उनकी धारणाएं कैसी कैसी हैं। बहुत अच्छी तरह समझाया है, इनमें से कोई धारणा हमसे टैली हो जाएगी तो ध्यान रखें वह गलत धारणा है, उसको हटाना है। जीवम अध्यवसानम, जीव क्या है, अध्यवसान, अध्यवसाव माने राग द्वेष आदि जो परिणाम है ये जीव हैं। कम्मम ये जो कर्म हैं ये जीव हैं, इस तरह कोई अज्ञानी जीव कहते हैं। कोई तो कर्म को जीव कहते हैं, कोई राग द्वेष परिणाम को जीव कहते हैं, ये लोग कैसे हैं, ये पर को माने अन्य पदार्थ को आत्मा कहने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें आत्मा का स्वरूप मालूम नहीं है। फिर एक बार देखें, अपाणम अयाणंता आत्मा को नहीं जानते हुए,
मूढ़ा, क्या शब्द प्रयोग किया है आचार्यों ने, मूढ़ा, मूढ़, अज्ञानी, मूर्ख, कैसे हैं? पर अपवादिनो, जो पर पदार्थ को आत्मा कहने वाले हैं, ऐसे जीव, जीव को क्या कहते हैं? अज्ञपसाणम जीवम, आत्मा के जो राग द्वेष परिणाम है यही तो जीव है। कम्मम, जो कर्म है करने वाला वो ही तो जीव है। ऐसे ये अज्ञानी लोग इस तरह की प्ररूपणा करते हैं। अर्थ देखें, आत्मा को न जानते हुए पर को आत्मा कहने वाले कोई मोही अज्ञानी तो अध्यवसान को और कोई अज्ञानी कर्म को जीव कहते हैं। क्या उनका ऐसा कहना सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों कहते हैं? उन्हें आत्मा का शुद्ध स्वरूप मालूम नहीं, इसलिए कहते हैं। पंडित जी, फिर तो ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि माना जाएगा? हाँ, बिल्कुल माना जाएगा। यहाँ गाथा नंबर 44 से गाथा नंबर 48 तक मिथ्या दृष्टि जीवों की धारणाएं जीव तत्व के बारे में कैसी हैं यही बताई गई हैं। ये धारणा सारी की सारी गलत हैं। लिखा ना आचार्य ने, परप्पवादिनो, ये वो लोग हैं जो पर पदार्थ को आत्मा मानते हैं, पर पदार्थ को आत्मा कहने वाले हैं। इनकी धारणा गलत है, मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि हैं ये लोग, ऐसी धारणा करने वाले। अगर ऐसी धारणा किसी की हो तो उसको छोड़ना है। पंडित जी, राग द्वेष आदि तो जीव ही है, फिर गलती क्या? कर्म के कारण होने वाली ये जीव की विभाव अवस्थाएं हैं, ये जीव का स्वभाव नहीं। राग द्वेष शायद परिणाम जीव में हुए हैं, चेतनात्मक हैं, ये तो हम मानेंगे, लेकिन ये स्वभाव नहीं, ये विभाव हैं। जो इनको आत्मा का स्वभाव मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, वह आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता। हम कैसा मानेंगे? आत्मा में हुए हैं, चेतनात्मक हैं, ये परिणाम जीव हैं, जीव ने किए हैं, जीव में हुए हैं, फिर भी वैभाविक हैं, स्वाभाविक नहीं। स्वभाव से आत्मा कैसा है? स्वभाव से तो आत्मा शुद्ध है। गाथा 44 का पद्यानुवाद देखते हैं। सम्मोह से भ्रमित है जड़ मूर्ख नामी, कर्तव्य मूढ़ कुछ है कुमतानुगामी, वैराग रोषमय भाव विभाव को ही स्वीकार जीव तजते निज भाव को ही। गाथा नंबर 45 देखते हैं। उन मिथ्या दृष्टि जीवों की जो अन्य पदार्थ को आत्मा माने बैठे हैं, जो आत्मा की अशुद्ध अवस्था को आत्मस्वरूप माने बैठे हैं, और वो किस तरह का क्या विचार करते हैं? गाथा नंबर 45। अवरे अज्ञवसाणे, अवरे अज्ञवसाणे, सुतेव मन्दानुभावगम जीवम, सुतेव मन्दानुभावगम मल्लन्ति तहा अवरे, मल्लन्ति तहा अवरे, लोकं मम चाविजीवोति, लोकं मम चाविजीवोति। बोलिए। अवरे अज्ञवसाणे सुतेव मन्दानुभावगम जीवम, मन्नन्ति तावरे लोकं मम चाविजीवोति। आज मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा को कैसा कैसा मानते हैं, इनका वर्णन चल रहा है। पहली गाथा में भी उनकी धारणाएं थी और इस गाथा में भी। आइए शब्दार्थ देखते हैं। अवरे, अन्य कोई, दूसरे, अध्यवसाणेषु, अध्यवसानों में, अध्यवसान राग द्वेष आदि परिणामों में,
तीव्र मंद अनुभावगम, तीव्र और मंद जो उनका अनुभाग है उसको जीवम जीव मन्नन्ती मानते हैं। इनमें जो तीव्र और मंद अनुभाग पड़ा हुआ है राग द्वेष आदि परिणामों में, ये सब जीव हैं, तभी तो ये तीव्र मंद हो गए हैं। और अवरे और अन्य कोई लोकम्मम चावि जीवोत्ति, नो कर्म को भी जीव मानते हैं। पहली गाथा में दो धारणाएं आई थी, कोई लोग कैसा मानते हैं, कोई लोग तो अध्यवसान को राग द्वेष आदि परिणामों को जीव मानते हैं, कोई कर्म को जीव मानते हैं। और यहाँ दो धारणा तीन धारणा और बता दी, कोई क्या मानते हैं, इन राग द्वेष आदि अध्यवसान माने परिणामों में जो तीव्र मंद्र अनुभाग है यह जीव का है, और कोई नौकर माने शरीर को जीव मानते हैं। फिर देखें एक बार जरा, अवरे अन्य कोई अध्यवसानेषु अध्यवसानों में राग द्वेष आदि परिणामों में तीव्र मंद अनुभावगम जीवम, तीव्र मंद अनुभागगत जीव को मानते हैं। इसमें जो तीव्र मंद अनुभाग है यह जीवपना है। और अवरे और अन्य कोई लोकम्मम चाव जीवोत्ति, नौकर मन शरीर को ही जीव मानते हैं, दोनों धारणाएं गलत हैं। तीव्र मंद अनुभाग ये तो उस पुद्गल में उस वर्गणा में जो अनुभाग पड़ा है वो है, वो जीव नहीं है। और शरीर शरीर तो जीव है ही नहीं। अर्थ देखते हैं, अन्य कोई अध्यवसानों में तीव्र मंद अनुभाग को जीव मानते हैं और अन्य कोई नो कर्म को जीव मानते हैं। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि या गलत मान्यता या अन्य को अन्य पर पदार्थ को जीव मानने वाले जो अन्य मत वाले लोग हैं उनकी चार धारणाएं दो गाथों में स्पष्ट की गईं। ये चारों धारणाएं गलत हैं, ये जीव का स्वरूप है ही नहीं। पंडित जी, अध्यवसानों का अनुभाग कैसा होता है? कोई तीव्र होता है, कोई मंद होता है, बहुत प्रकार का होता है। अज्ञानी मानता है ये सब जीव ही तो हैं राग द्वेष आदि परिणाम। देखो इसको गुस्सा कितनी तेज आया, इसको राग कितना ज़्यादा है, इसको कितना कम हुआ, ये सब जीव हैं। पर नहीं, ये जीव नहीं। और कोई तो कर्म को ही जीव माने बैठे हैं, ये शरीर मोटा पतला स्त्री पुरुष जानवर मनुष्य आदि का जो शरीर मिला ये क्या है, यही तो जीव है जो सामने दिख रहा है, जबकि ये जीव नहीं। ये क्या है, ये तो जीव को मिलने वाली वर्तमान पर्याय है। पंडित जी, यदि शरीर जीव नहीं है तो चींटी आदि को मारने में हिंसा क्यों? चींटी को मारने में जीव मरा के नहीं, नहीं जीव नहीं मरा, जीव ने तो अन्य पर्याय ले ली। हाँ, जीव जो इस पर्याय में रह रहा था वो इस पर्याय को छोड़ गया। क्या शरीर जीव नहीं है? देखो मेरा ये शरीर क्या ये जीव नहीं है? नहीं। तो ये क्या है, ये जीव और अजीव माने पुद्गल, इन दोनों की मिलीजुली पर्याय है। आपको जो दिख रहा हूँ मैं ये तो अजीव दिख रहा है, और जो बोल रहा है अंदर से जो शक्तिमान शक्तिशाली है वो जीव है। और ये जो काम जो हो रहे हैं ये जीव और अजीव की मिलीजुली पर्याय कर रही है। अगर ये शरीर बोलने वाला है तो मुर्दा क्यों नहीं बोलता? मुर्दा इसलिए नहीं बोलता, उसमें से बोलने वाला चला गया। तो मैं कौन हूँ? मैं बोलने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं सुनाने वाला हूँ, वो तो मैं हूँ। और जो आपको दिख रहा हूँ ये सारा जो है ये तो मेरा शरीर पुद्गल है, और ये मेरी पर्याय जीव और अजीव की मिलीजुली पर्याय है, ना जीव है ना अजीव है। जब इसमें से जीव निकल जाएगा, डेड बॉडी पड़ी रह जाएगी, तब हम कहेंगे ये अजीव है, जीव निकल गया है। वर्तमान में दोनों की मिक्स पर्याय है।
इसलिए जो लोग शरीर को जीव मानते हैं उनकी धारणा गलत है। गाथा 45 का पद्यानुवाद देखें। लो तीव्र मंद अनुभाग निबंधनों को है जीव रूप कहते कुछ है तनों को सम्मोह का यह विपाक यथार्थ में है जो हो रहा भ्रम निजीय पदार्थ। एक शब्द आया निबंधन, निबंध माने निबंधन माने कारण। एक आया है तनों को, तनों को माने शरीरों को, अर्थात कुछ तो तीव्र बंध अनुभाग के कारणों को जीव रूप कहते हैं और कुछ शरीर को जीव रूप मानते हैं, दोनों धारणा गलत हैं। आचार्य श्री का पद्यानुवाद गजब का है, बहुत सुंदर। गाथा को इतनी सरल भाषा में निबद्ध कर दिया उन्होंने पद्यानुवाद में, जो कम बुद्धि वाले भी समझ लें। आइए अब गाथा नंबर 46 देखते हैं। क्या चल रहा है? जो अन्य मतावलंबी हैं, जिनको निज और पर का ज्ञान नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, वे आत्मा को कैसा कैसा मानते हैं ये बता रहे हैं। दो गाथाएँ हो गई, तीसरी गाथा और करेंगे, दो गाथाएं रह जाएंगी, वो अगले एपिसोड में होंगी। मिथ्या दृष्टि जीवों की और मान्यताएं जीव के बारे में कैसी होती हैं देखें। कम सुदयम जीवम, कम सुदयम जीवम, अवरे कम मानु भाग मिच्छन्ति, अवरे कम मानु भाग मिच्छन्ति, तीव्रतण मंदतण, तीव्रतण मंदतण, गुणे ही जो सो हवदि जीवो, गुणे ही जो सो हवदि जीवो। बोलिए। कम सुदयम जीवम, अवरे कम मानु भाग मिच्छन्ति, तीव्रतण मंदतण, गुणे जो सो हवदि जीवो। एक बात फिर सबको याद दिला दूं, समय सार जी दो प्रकार के इस समय बाजार में हैं। एक आचार्य अमरचंद स्वामी की टीका के अनुसार, एक आचार्य जयसेन जी की टीका के अनुसार। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग सोचते होंगे गाथा नंबर क्यों नहीं मिल रहा हमारे समयसार से। अगर आपका समयसार अमरचंद स्वामी का है, गाथा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपका समयसार आचार्य जयसेन महाराज का है, गाथा नंबर मिलेगा। हमने अपने यहाँ से एक विज्ञापन भी निकाला था, समयसार हमारे यहाँ से फ्री मंगा लीजिए। अगर आपने पत्र नहीं भेजा हो, आज ही पत्र भिजवा दें और हमारे यहाँ से समयसार आचार्य जयसेन महाराज का मंगा लें। अमृतचंद स्वामी का समयसार और आचार्य जयसेन स्वामी के समयसार में इतना अंतर है, उसमें भाषा कड़ी है, इसमें भाषा बहुत सरल, बहुत अच्छी है। इसलिए ज़रूर मंगाएं, फिर देखें। अब जैसे मैं जो गाथा आपको पढ़ा रहा हूँ 46, ये अमरचंद स्वामी के समयसार में 41 है, 5 का अंतर है। चलें अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। कम सुदयम, कर्म के उदय को, जीवम जीव है, कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं। अवरे अन्य कोई, कम्मानुभागम इच्छन्ति, कर्म के अनुभाग माने तीव्र मंद फल को जीव कहते हैं। तिब्बतण मंदतण गुणे ही, तीव्र मंद रूप गुणों के भेद से जो कर्म का अनुभाग प्राप्त होता है, किसी कर्म का फल तीव्र मिला, किसी कर्म का फल मंद मिला, तो ये फल जो मिला तीव्र और मंद, ये जीव है। नहीं, ये जीव नहीं है, लेकिन उनकी मान्यता ऐसी है। जो सो हवद जीवो, जे है जीव ऐसा होता है।
फिर एक बार देखते हैं। कम्मसुदयम जीवम, कर्म के उदय को कोई जीव है ऐसा मानते हैं। अवरे अन्य कोई तिब्बतन मंदतन गुणे कम्माणु भागम इच्छन्ति। तीव्र मंद रूप गुणों के भेद से जो कर्म का अनुभाग है उसी को जीव मानते हैं। जो सो हवद जीवो, वह जीव ऐसा है। लेकिन दोनों मान्यताएं आगम के अनुसार नहीं है। दोनों मान्यताओं में अज्ञानीपना है। दोनों मान्यताएं सही नहीं हैं, आगम के अनुसार नहीं। फिर एक बार देख लेते हैं। कम्मसुदयम जीवम, कर्म के उदय को कोई जीव है ऐसा कहते हैं। अन्य कोई तिब्बतन मंदतन गुणे कम्माणु भागम इच्छन्ति। तीव्र मंद रूप गुणों से भेद को जो प्राप्त होता है ऐसे कर्म के अनुभाग माने फलदान शक्ति को जीव मानते हैं। जो सो जीवो हवदि, जो वह है वो जीव है। पर ये वास्तविकता नहीं। कर्म का उदय जीव नहीं, वो तो कर्म पुद्गल है, पुद्गल का उदय है। और उसमें जो अनुभाग का तीव्र मंद फल हो रहा है ये भी बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी जीव नहीं है। गाथा का अर्थ देखिए। अन्य कोई अज्ञानी कर्म के उदय को जीव मानते हैं। अन्य कोई अज्ञानी कर्म के अनुभाग को जीव मानते हैं। अनुभाग कैसा है? जो कि तीव्र मंद रूप गुणों से भेद को प्राप्त होता है वह जीव है ऐसा इष्ट करते हैं माने मानते हैं। पंडित जी, अज्ञानी जीव की ऐसी गलत धारणाएं ठीक कैसे हों? यह पूरा समय सार ग्रंथ 439 गाथाएं यही बता रही हैं। जीव को तुम मानते कैसे हो और जीव को मानना चाहिए कैसे? अपनी गलत धारणाएं ठीक कर लो। इसीलिए आचार्य कुंदकुंद महाराज ने ये लिखा। महाराज ने शुरू में ही कह दिया, तुमने आज तक काम भोग बंध की कथा खूब सुनी पर शुद्ध आत्मा कैसा है इसकी चर्चा तुम्हें सुलभ ही नहीं हुई। मैं तुमको वो ही सुलभ करा रहा हूँ। देखो शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो मैं सुलभ करा रहा हूँ। तो जैसे आपने पूछा ठीक कैसे हो, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। इन ग्रंथों को जानने वाले महाराजों विद्वानों के पास बैठें, चर्चा करें, अपनी गुत्थियों को सुलझाएं। हम ऐसा इसलिए मानते हैं, आप ऐसा क्यों मानते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं मानते, आपकी धारणा को हम क्यों सही माने। जब इस तरह उस प्रश्न पर विचार होगा ना, तब गुत्थी सुलझेंगी और जो गलत धारणाएं आचार्य ने इन गाथाओं में लिखी हैं वो गलत धारणाएं सही हो जाएंगी। अभी तक मिथ्या दृष्टि थे, सम्यक दृष्टियों में अपना नामांकन हो जाएगा। इसलिए जो चाहते हैं हमारी मिथ्या धारणाएं खत्म हों, समय सार का बिल्कुल अच्छी तल्लीनता के साथ इनके पढ़ने से मेरा कल्याण होगा ऐसा मानकर इसका स्वाध्याय करें, निश्चित रूप से धारणाएं सही हो जाएंगी। गाथा नंबर 46 का पद्यानुवाद देखें। कोई कहे कि उदयागत कर्म कोई विज्ञान धारक सचेतन जीव सोही, तो तीव्र मंद विधि के फल को निजात्मा है, अन्य लोग कहते बनते दुरात्मा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जितेंद्र ढहाले जैन, श्री जितेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जितेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर महाराष्ट्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, जेपी जैन, अहोरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात।
श्रीमती सुगंधा कमाते वाइफ ऑफ बाबरू बहान कमाते पुणे विकास एवं विद्या कमाते यूएसए। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर 344/4 गोविंदपुरी महिला मंडल गोविंदपुरी कालका जी नई दिल्ली 19। हितेश हंसमुख लाल शाह माता रमिला बेन परिख वडोदरा गुजरात।